हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं ऑनलाइन आया हूँ और एक वीडियो बना रहा हूँ। और मैंने ये वीडियो स्पेशली इसीलिए बनाया हूँ कि कुछ लोगों के छोटे मोटे डाउट्स हैं गेम को लेकर, गेम की कुछ चीज़ों को लेकर। मैं चाहता हूँ कि वो क्लियर हो जाए। और मेरे एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया था, उनका नाम है महेंद्र और उनको काफ़ी सारा डाउट है। उन्होंने काफ़ी बार मुझसे पूछा कि सूर्य भाई, ट्रेजर ट्रॉप में डिपॉजिट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो महेंद्र जी और जिनको भी डाउट है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो ट्रॉप होता है उसमें मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट होता है 10,000। अगर 30 डेज के लिए कर रहे हो तो मिनिमम 10,000 होता है। उससे कम में आप डिपॉजिट करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मिनिमम 10,000 आप डिपॉजिट कीजिए, उससे कम में वो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देखिए अपग्रेड रिजल्ट पे देखिए, लेवल 1 पे 10,000 से ही शुरू होता है और मैक्सिमम 10,000 to 50 तक जाता है। और लेवल 9 जब ड्रॉप हो जाता है तो आपका मैक्सिमम 20,000 डिपॉजिट रहता है, लेकिन आपका मिनिमम जो है वो 10,000 है। अगर 10,000 से बिलो आप डिपॉजिट करते हो तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा और वो डिपॉजिट भी नहीं लेगा। तो इसीलिए 10,000 से ज़्यादा डिपॉजिट कीजिए तो वो एक्सेप्ट करेगा। और फिर कुछ दोस्तों ने कहा है कि आप फैमिलियर के ऊपर वीडियो बनाइए। तो देखिए दोस्तों, अभी मेरे पास ज़्यादा फैमिलियर है नहीं, मैंने बस पैक 2 तक ही रिसर्च किया है और पैक 3 मैंने अभी किया नहीं है। लेकिन जितना भी मैं को बता देता हूँ कि अगर आपको किसी दूसरे के ट्रूप्स मारने हैं तो आप इसको, ये है पायरिस, इसको आप एल्डर कर सकते हैं। जब आप इसको एल्डर करेंगे, लेवल 60 पे पहुंच जाएंगे, तो इसका एक स्किल है, वो है ब्लेजिंग ट्रायल। ये करता ये है कि ये एनिमी के 7,500 से 12,500 ट्रूप्स तक मार सकता है, लेकिन उसका शर्त ये है कि 5% से ज़्यादा टोटल ट्रूप के वो नहीं मारेगा। ये एक ज़्यादा काम का नहीं है, कभी कभी आप इसे यूज़ कर सकते हैं इमरजेंसी में, लेकिन अगर इसका सबसे इफ़ेक्टिव यूज़ यही रहेगा कि आपके गिल्ड में अगर सब लोग इसे अनलॉक कर लें और अगर सब लोग एक ही एनिमी के ऊपर अटैक करें एक साथ इसको यूज़ करके, तब आप एनिमी को सिग्निफिकेंट डैमेज पहुंचा सकते हैं, वरना इंडिविजुअली ये कुछ ज़्यादा खास काम नहीं आएगा। इसके अलावा ये सप्लाइज देता है और ट्रांसमिशन टाइम को ये कम करता है। और जो लोग शिप में ट्रेड करते हैं उनके लिए ये अच्छा है, क्योंकि ये कार्गो शिप रिफ्रेश करता है जल्दी जल्दी। कोल डाउन टाइम 1 दिन है, तो 1 दिन में एक बार आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये उनके लिए भी अच्छा है। और सबसे अच्छा में से ये एक है एक्वेरिस, क्योंकि ये आपको STA देता है, जिससे आप अपने हीरोज़ को गोल्ड कर सकते हैं, उनका लेवल एनहांस कर सकते हैं, तो ये भी वैसे ही काम का है। और क्या बताऊँ दोस्तों, जो लोग वॉल डिफेंस पे काम कर रहे हैं उनके लिए ये सही है। टेम्पिसाइड, यहाँ पे एरो गार्ड रहता है जो आपको मैक्सिमम बिल्ड 20% वॉल डिफेंस देगा, तो ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और ये उनको कुछ टायर 1 ट्रूप्स देगा एल्डर होने के बाद, और एनर्जी गेन का स्पीड भी रहता है, तो ये बेसिकली वॉल डिफेंस के लिए सही है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। और ये कॉलोसियम एंट्री देता है, इसका नाम है बोन हेड, इससे आप मिनिमम 10 एंट्रीज फ्री मिलता है आपको पर डे। तो जो लोग कॉलोसियम में अच्छा रैंक लेना चाहते हैं ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो आप इसे भी एल्डर कर सकते हैं। और ये हारपी आपका शेल्टर कैपेसिटी बढ़ाता है, ये 50,000 कम नहीं होता दोस्तों, 50,000 ट्रूप बचा सकते हैं आप शेल्टर करके, तो ये बहुत ही बढ़िया फैमिलियर है। इसको आप एल्डर कीजिए और शेल्टर कैपेसिटी बढ़ाइए, अपना ट्रूप्स बचाइए, बहुत ही अच्छा ये। और फ़िलहाल तो मैंने इतने ही एल्डर किए हैं दोस्तों। एक है ये एविल वेबिल, ये आपको कुछ रिसोर्स देता है 1 दिन के टाइम में, कुछ ज़्यादा काम का नहीं है, लेकिन कभी कभी इमरजेंसी में थोड़ा काम आ जाता है रिसोर्सेस। और ये है स्टिक्स, ये आपका एजुकेशन टाइम को रिड्यूस करता है, अगर आप हंट करते हैं, अगर आप प्रिजन होल्ड करते हैं तो उनको एग्जीक्यूट करने में ये आपको हेल्प करेगा।
और कुछ हद तक ये हीलिंग स्पीड बढ़ाता है, तो ये दोनों काम करता है। ये हो गया आपका फैमिलियर के बारे में दोस्तों। और अगर मैं हीरोज़ के बारे में जाऊं दोस्तों, तो आपको मैं हीरोज़ के बारे में एक अच्छे से समझा देता हूं दोस्तों कि आपको अगर वॉर चाहिए, आपको अगर लड़ाई करना है, तो आप हीरोज़ को कौन से हीरोज़ पे ध्यान दीजिए। अगर आपका इन्फेंट्री ज़्यादा है, अगर आपका इन्फेंट्री मेन ट्रूप्स है, तो आप इन्फेंट्री हीरो यूज़ कीजिए। जैसे कि ये डीमन स्लेयर है, इसमें देखिए आप साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप इसके बैटल स्किल जाएँ, बैटल स्किल में देखिए यहाँ पे लिखा है इन्फेंट्री हेल्थ पावर 50% लिखा हुआ है। जब गोल्ड होता है तो 50% पावर देता है, एचपी रहता है, हेल्थ पावर देता है, और अटैक देता है 30% जब गोल्ड हो जाता है। और आप इसको वॉल पे भी रख सकते हैं, क्योंकि वॉल पे ट्रैप अटैक भी देता है 30%। तो ये आपका वॉल हीरो भी हो सकता है, साथ ही साथ इन्फेंट्री को ये 50% हेल्थ पावर बूस्ट, साथ में अटैक भी 30% हेल्थ पावर बूस्ट देता है। तो अगर आप इन्फेंट्री यूज़ करते हैं तो ये एक बढ़िया चॉइस है, आप इसे वॉल पे भी रख सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और फ्री टू प्ले जो फ्री है इस गेम में इन्फेंट्री हीरो, वो है ओथ कीपर। इसमें भी इन्फेंट्री हेल्थ पावर 50% है और इन्फेंट्री अटैक 30%। दोस्तों जो भी वॉर में हीरो भेजते हैं आप ये ध्यान में रखें कि उस पर अटैक बूस्ट होना चाहिए। जैसे कि ये इन्फेंट्री अटैक बूस्ट होने से आपको आपके ट्रूप्स को ये अटैक बूस्ट देता है, तो आपका अटैक होना ज़रूरी है। अटैक स्टैट्स के बिना आप इन्फेंट्री हीरो भेजेंगे तो आपका हारने का चांस ज़्यादा है। जैसे कि एक हीरो है शेड, ये भी इन्फेंट्री हीरो है, लेकिन इसमें इन्फेंट्री डिफेंस है, इसमें इन्फेंट्री अटैक नहीं है। लेकिन आप अगर इसको गोल्ड करते हैं तो ये आपको वॉल डिफेंस देता है 60%। तो अगर आप वॉल डिफेंस पे काम कर रहे हो तो आप ये भी 60% कर सकते हो, इसको भी गोल्ड कर सकते हो। और ये रह गए दोस्तों इन्फेंट्री के कुछ हीरो मैंने बताए। और अगर आप रेंज आपका मेन यूनिट है, रेंज आप ट्रेन कर रहे हो, तो ट्रैकर बहुत अच्छा है, क्योंकि ये रेंज डिफेंस और रेंज अटैक देता है, आपको दोनों देता है, और इसमें अटैक स्टैट्स है, इसीलिए बहुत अच्छा है। और हमेशा दोस्तों कोशिश कीजिए कि वॉर के लिए बैटल स्किल में अटैक होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, वॉर में ट्रिक्स्टर जैसे हीरो भेजते हैं। देखिए इसमें कोई बैटल स्किल नहीं है दोस्तों, ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव हीरो है जो रिसर्च स्पीड बढ़ाता है, एनर्जी गेन स्पीड बढ़ाता है और मैक्सिमम एनर्जी लेवल बढ़ाता है। इसमें कोई भी अटैक या डिफेंस या हेल्थ पावर स्किल है ही नहीं। तो अगर आप इसको भेजोगे वॉर पे तो आप हो सकता है कि ज़्यादातर आप हार सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये हीरो कोई काम का नहीं है, ये वॉर के लिए है ही नहीं। और कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे ही काम करते हैं जैसे सीज हीरो भेजते हैं, इंसिनरेटर। अगर आप वॉल तोड़ना चाहते हो दोस्तों तो सीज हीरो भेजिए, वरना किसी काम का नहीं है। इस पर सीज अटैक है दोस्तों, ये आपका इन्फेंट्री कैवलरी और रेंज के लिए काम नहीं आएगा। तो अगर आप वॉल तोड़ना है तो ही सीज भेजिए, वरना बेकार में मत भेजिए, क्योंकि किसी काम का नहीं है। इंसिनरेटर हो गया या फिर प्राइमा हो गया, ये सब सीज हीरो दोस्तों, इन पे सीज के लिए बूस्ट है। ये आपके इन्फेंट्री कैवलरी और रेंज ट्रूप्स के लिए कोई काम का बूस्ट नहीं देंगे। और कुछ लोग डेथ नाइट भेजते हैं, अगर आपका कैवलरी काफ़ी सारा है और अटैक स्टैट्स काफ़ी है तो आप इसको एक्स्ट्रा बूस्ट के हिसाब से भेज सकते हैं, क्योंकि डिफेंस और हेल्थ पावर देता है। लेकिन दोस्तों ध्यान में रखिए इसके पास अटैक नहीं है, तो अगर आपको एक्स्ट्रा हेल्थ पावर चाहिए तो आप इसको भेजिए, वरना मत भेजिए, क्योंकि इसमें अटैक है नहीं, लेकिन डिफेंस और हेल्थ पावर दोनों है, तो इसको कभी कभी आप भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बढ़िया दोस्तों इसमें से एक रोज़ नाइट है जो भी कैवलरी है, और ये आपको आर्मी अटैक देता है और कैवलरी हेल्थ पावर देता है। आर्मी अटैक यानी ये आपके कैवलरी के साथ साथ अगर साथ में अगर रेंज भेजें और इन्फेंट्री भेजें तो ये उनको भी 20% बूस्ट देता है, क्योंकि इस पर आर्मी अटैक है दोस्तों, कैवलरी अटैक नहीं है, आर्मी अटैक है। आर्मी मतलब सारे के सारे ट्रूप, सारे के सारे आर्मी को बूस्ट देगा, तो ये बहुत बढ़िया बात है दोस्तों। कैसे हीरो का अटैक स्टेट्स काउंट करना है, कैसे टोटल अटैक को मेज़र करना है, मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगा। फ़िलहाल मैं आपको आज हीरो के बारे में बता देता हूँ कि अटैक के लिए क्या भेजना चाहिए। ये उनमें से एक है दोस्तों आर्मी अटैक। फ्री टू प्लेयर्स के लिए रोज नाइट को छोड़ के एक और हीरो जो है रेंज हीरो, वो देता है आर्मी अटैक, वो है बॉम्बलिन गॉब्लिन दोस्तों। यही एक दूसरा हीरो है जो आर्मी अटैक देता है, लेकिन ये रेंज है दोस्तों। तो अगर आप रेंज यूज़ करते हैं और साथ में कुछ और ट्रूप्स भेज रहे हैं तो आप बॉम्बलिन गॉब्लिन भेज सकते हैं, क्योंकि ये 20% आर्मी अटैक देता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर आप एक
टाइप के ट्रूप से ज़्यादा टाइप का ट्रूप भेजते हैं, मान लीजिए आप रेंज और कैवलरी या फिर इन्फेंट्री कैवलरी भेज रहे हैं, तो ही आपका आर्मी अटैक भेजना अच्छा होगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, सिंगल ट्रूप भेजते हैं, जैसे कि कोई पूरा का पूरा रेंज भेजता है, कोई पूरा का पूरा कैवलरी भेजता है। तो उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कृपया आर्मी अटैक मत भेजिए। अगर आप रेंज भेज रहे हैं तो मैं करूँगा कि पूरा का पूरा रेंज ही भेजिए, रेंज हीरो ही भेजिए, आर्मी अटैक वाला नहीं भेजिए, क्योंकि उसमें आपको अटैक ज़्यादा रहेगा। क्योंकि आप रेंज अटैक भेजते हैं, देखिए 30% अटैक बूस्ट मिलता है, लेकिन अगर आप उसी जगह आर्मी अटैक भेजते हैं रेंज में तो 20% अटैक मिलता है, तो बूस्ट तो कम हो गया ना दोस्तों, बड़ा कहाँ पे। तो अगर आप सिंगल ट्रूप टाइप यूज़ करते हैं तो आप आर्मी अटैक मत भेजिए, सिर्फ जो ट्रूप टाइप का आप भेजने, आपको रेंज भेजना है तो रेंज का हीरो भेजिए, या फिर कावलरी का हीरो भेजना है तो कावलरी भेजना तो कावलरी का हीरो भेजिए, आर्मी अटैक मत भेजिए, क्योंकि उसमें आपका अटैक स्टैट्स कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको दो टाइप के ट्रूप यूज़ करना है, कोई भी दो टाइप का, तो उसमें आप आर्मी अटैक बूस्ट यूज़ करना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये बूस्ट को डबल कर देता है आपका दोनों ट्रूप्स का बूस्ट में से। एक का ट्रूप तो नॉर्मल रहेगा बूस्ट, जो दूसरे टाइप का ट्रूप होगा उसका हीरो का प्लस 20 हो जाएगा, जितना भी होगा, अगर 30% है तो प्लस 20 50% हो जाएगा। तो उस जगह पे आपका आर्मी अटैक वाला स्टैट्स रहना ज़रूरी है। लेकिन आप सिंगल ट्रूप टाइप यूज़ करते हैं, मान लीजिए आप पूरा इन्फेंट्री यूज़ करते हैं, तो आपको भेजना चाहिए ये इन्फेंट्री डिमन स्लेयर के लिए सी स्क्वायर भेज सकते हैं दोस्तों, इसमें सिर्फ इन्फेंट्री अटैक है, तो आप इन्फेंट्री के लिए ही भेज सकते हैं 30%। तो अगर आप पाँचों के पाँचों इन्फेंट्री हीरो भेजते हैं तो आपका 5×30 150% अटैक स्टैट्स रहेगा। लेकिन आप बीच में अगर एक आर्मी अटैक वाला घुसा देते हैं कोई हीरो, तो 10% कम हो जाएगा, 20% एक रहेगा, तो वो 140% स्टैट्स हो जाता है, तो उस जगह पे आप लॉस पे रहोगे। लेकिन मान लीजिए अगर आप आधा इन्फेंट्री और आधा कावलरी भेजते हो, तो मान लीजिए आपने तीन हीरो कावलरी के भेजे और उनमें से एक रोज नाइट है, तो बाकी के दो हीरो के अटैक तो 30-30 होंगे, तो 60 प्लस रोज नाइट का 20% तो हो गए 80% कैवलरी के अटैक हो गए। प्लस अगर आप दो हीरो आर्मी के भेजते हो, सॉरी इन्फेंट्री के भेजते हो, तो इन्फेंट्री के अगर दो हीरो के पास 30-30% अटैक हैं 60, तो इन्फेंट्री का हो गया 60% बूस्ट। प्लस आप भूलिए मत कि रोज नाइट का 20% आर्मी अटैक है, तो वो उसमें भी ऐड होगा। तो अगर आप 60% आर्मी अटैक, सॉरी इन्फेंट्री अटैक होते हुए भी आप अगर रोज नाइट भेजते हो तो 20% उसका ऐड होता है, तो उसमें आर्मी इन्फेंट्री अटैक 80% हो जाता है। देखिए मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। जैसे कि ये मैं आ गया वॉल हीरोज़ पे, अब आपको यहाँ समझाना आसान होगा। पहले मैं क्या करता हूँ, ये देखिए मैं सारे के सारे इन्फेंट्री भेजता हूँ। मान लीजिए मैंने तीन इन्फेंट्री हीरो भेजे, ये रह गए तीन इन्फेंट्री हीरो में। आप देखिए कि तीनों का अटैक बूस्ट 30-30 है, मतलब तीनों मिला के 90% अटैक बूस्ट है, ठीक है। अगर मैं इनके साथ रोज़ नाइट मिलाता हूँ एक कावलरी का, तो देखिए आर्मी अटैक एक्स्ट्रा प्लस 20% ऐड हो रहा है, तो टोटल अटैक कितना हो गया, 90 + 20 = 110 हो गया, टोटल अटैक 110 हो गया। अगर मैं कावलरी का एक और हीरो भेजता हूँ, तो देखिए कावलरी अटैक 30% है और आर्मी अटैक 20% है, तो सिर्फ कैवलरी ट्रूप्स के आपको 30 + 20 50% अटैक मिल रहा है। तो यहाँ पे आर्मी अटैक का काम ये है कि आपके दोनों ट्रूप को बूस्ट दे रहा है, कैवलरी के 30 है प्लस 20 कर देंगे तो 50% बूस्ट मिल रहा है आपको अटैक बूस्ट, और अगर आर्मी अटैक में 90% है तो वहाँ पे प्लस 20 कर देंगे तो ये आपको मिल जा रहा है 110% आर्मी इन्फेंट्री अटैक बूस्ट। तो यही फ़ायदा होता है आर्मी अटैक बूस्ट का, जिस हीरो में आर्मी अटैक है आप उसको भेजेंगे तो ऐसे ही फ़ायदा देगा। मान लीजिए आपको कावलरी नहीं भेजना है, सिर्फ इन्फेंट्री भेजना है, तो अगर आपके पास अगर इन्फेंट्री अटैक हीरो है, जो कि मेरे पास तो अभी नहीं है, अभी मैंने गोल्ड नहीं किया है इन्फेंट्री अटैक हीरो, मेरे पास इन्फेंट्री अटैक के लिए दूसरा हीरो यही है, जो कि कुछ थोड़ा और अटैक देता है इन्फेंट्री अटैक, जिससे मेरा इन्फेंट्री अटैक हो जाता है 93%। और एक और इन्फेंट्री वाला हीरो है मेरे पास, वो भी ग्रीन में है, वो है ये वॉचर,
तो नहीं सॉरी, ये तो आर्मी अटैक देता 2%, तो सॉरी ये नहीं है। मेरे पास इन्फेंट्री अटैक के लिए, इन्फेंट्री अटैक के लिए एक यही है, दूसरा इसका भी ज़्यादा मैंने गोल्ड नहीं बनाया अभी तक। लेकिन अगर आपके पास गोल्ड हीरो है इन्फेंट्री के सारे तो आप उनको भेजिए, ना कि रोज नाइट को, क्योंकि उससे आपका बूस्ट ज़्यादा रहेगा सिंगल ट्रूप टाइप के लिए। और अगर आप 20% स्टार्ट वाले आर्मी अटैक भेजते हैं तो आपका बूस्ट वहाँ पर 10% कम मिलेगा, तो इससे आपका बूस्ट कम रहेगा, तो इससे आपका ट्रूप्स हार सकते हैं दोस्तों। तो आप क्यों ना ज़्यादा बूस्ट ट्राई कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट वाला हीरो, अटैक स्टेट्स वाला हीरो यूज़ कीजिए, इससे आप ही का फ़ायदा है दोस्तों। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे इनबॉक्स में मेल कीजिए, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपको और बेटर एग्जाम्पल देकर समझाने के लिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू वेरी मच, चलिए बाय।